राजकोट टेस्ट में टीम इंडिया को लग गया 440 बोल्ड का जोरदार झटका। चलते मैच में यह स्टार खिलाड़ी हो गया टीम इंडिया से बाहर। रोहित शर्मा पर फूट पड़ा दुखों का पहाड़। बीसीसीआई हो गई परेशान। इस खिलाड़ी ने दे दिया भारत को धोखा। इस खिलाड़ी के परिवार में छाया अचानक मातम। अभी से जीत का जश्न मनाने लगे अंग्रेज। टूट गया 140 करोड़ भारतीयों का दिल। राजकोट टेस्ट के दूसरे दिन बेन डकैत ने अपनी तूफानी शतक से भारतीयों को रुलाने का काम तो किया ही था, और अब इस खिलाड़ी ने अचानक से चलते हुए मैच में टीम इंडिया का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है। इस खिलाड़ी के ही दम पर भारत दूसरे टेस्ट मैच में अंग्रेजों को हराने में कामयाब रही थी, और अब इसी खिलाड़ी ने टीम इंडिया को धोखा दे दिया है। दोस्तों, कल ही इस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा महारिकॉर्ड अपने नाम किया था, और आज इसके परिवार में दुखों का पहाड़ ऐसा टूट पड़ा है कि जिसकी वजह से यह खिलाड़ी चलते मैच में टीम इंडिया का साथ छोड़ दिया है। इस खिलाड़ी द्वारा टीम इंडिया का साथ छोड़ने पर अंग्रेजों में जश्न का माहौल है। इंग्लैंड की टीम अभी से तीसरा टेस्ट जीतने की खुशी में सेलिब्रेशन मनाने लगी है। रोहित शर्मा को भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस खिलाड़ी के बिना राजकोट टेस्ट में इंग्लैंड को कैसे हराया जाए। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे आखिर वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने चलते मैच में ही टीम इंडिया का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, वह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन है। फैमिली इमरजेंसी के कारण रविचंद्रन अश्विन तीसरा टेस्ट मैच छोड़कर घर लौट चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को तीसरा टेस्ट मैच का दूसरा दिन खत्म होने के बाद बहुत बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर और मैच विजेता गेंदबाज आर अश्विन बीच मैच छोड़कर घर लौट चुके हैं। अश्विन दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद अचानक घर क्यों लौटे, फिलहाल इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन अश्विन ने तीसरे टेस्ट से अपना नाम वापस ले लिया है। इसका मतलब साफ ये हुआ कि अश्विन अब आगे के मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। बता दें कि अश्विन निजी कारणों के चलते वापस घर लौटे हैं। अश्विन को मेडिकल फैमिली की मेडिकल इमरजेंसी के चलते घर लौटना पड़ा है। दोस्तों, बीसीसीआई ने इस खबर की पुष्टि की है और कहा है कि बोर्ड इस मुश्किल घड़ी में रविचंद्रन अश्विन के साथ है। बीसीसीआई ने कहा कि वो चैंपियन क्रिकेटर और उनके परिवार को अपना हार्दिक समर्थन देता है। खिलाड़ियों और उनके प्रियजनों का स्वास्थ्य और भलाई अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोर्ड अश्विन और उनके परिवार की गोपनीयता का सम्मान करने का अनुरोध करता है क्योंकि वे इस चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं। बोर्ड और टीम अश्विन को हर आवश्यकता सहायता प्रदान करना जारी रखेगी। टीम इंडिया इस संवेदनशील समय में प्रशंसकों और मीडिया की समझ और सहानुभूति की सराहना करती है। दोस्तों, बता दें कि अश्विन ने राजकोट टेस्ट के दूसरे दिन जैक राउली के विकेट के साथ टेस्ट क्रिकेट में अपना 500वां विकेट भी हासिल किया था। वह टेस्ट इतिहास में 500 विकेट का आंकड़ा पार करने वाले 9वें गेंदबाज भी बन चुके हैं और अनिल कुंबले के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि रविचंद्रन अश्विन ने सही फैसला किया है अचानक से राजकोट टेस्ट मैच में ना खेलने का फैसला करके।